हरदा के सुल्तानपुर में 100 एकड़ की जमीन पर फूड पार्क बनने जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फूड पार्क की जमीन का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इसी दौरान कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा और किसानों के उद्योगपति बनने का सपना अब हरदा से पूरा होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि फूड पार्क बनाने की घोषणा मैंने की थी, सुल्तानपुर में इसके लिए 100 एकड़ जमीन मिल गई। अब यहां पर फूड पार्क बनेगा, जिसमें किसान एफपीओ, उनकी समितियां और किसान संगठनों के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे यहां के स्थानीय फसलों के साथ कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाएंगे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि फूड पार्क के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसान अब उद्योगपति बनेगा। किसान का एक बेटा खेती किसानी करेगा तो दूसरा बेटा पढ़ लिख कर उद्योग धंधा स्थापित करेगा और पूरा किसान परिवार उद्योगपति बनेगा। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि किसान अपनी फसल एमएसपी के बजाय एमआरपी पर बेचेगा। सबका साथ सबका विकास पीएम मोदी का जो मूल मंत्र है, उसको लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में हमारा मिशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए, किसानों के संगठनों के लिए, किसानों के समूह के लिए, किसानों की सोसाइटियों के लिए, एफपीओ के लिए 3% ब्याज की छूट रहेगी और 2 करोड़ तक बगैर कोई गारंटी के ऋण मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री लगा सकेंगे, ताकि किसान का एक बेटा खेती करा, दूसरा पढ़ लिख कर आ गया सर्विस नौकरी के पीछे भाग के नौकरी की बजाय वो उद्योगपति बनेगा और अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, जिससे उसकी भी आमदनी बढ़ेगी और किसान एमएसपी की जगह एमआरपी वाला बनेगा। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मेहनत करता किसान लेकिन माल कमाते उद्योगपति, तो हम किसानों को ही उद्योगपति बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।